अब तक आपने देखा। अभी बेगम सराय ना, बेगम सराय के नाम से जाना जाएगा। बेगम सराय मुबारक विद्या रानी। बहुत हिम्मत आ गया है जबान लड़ाने का, रास्ता रोकने का, बड़े पापा से शिकायत करने का। लखन ठाकुर, ठाकुर पापा ने संदेशा भिजवाया है कि तुम्हारे यहाँ रहने से माया भाभी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। समझ आ गया कि डिटेल में समझाए। छोड़ के गई थी ना हमें तुम, अब उसका खामियाजा तो भरना पड़ेगा। अब देखिए आगे। क्या रुकोगे? हाँ, डर गए क्या? अरे मारो। चक्कर में भूल ही गए कि बाबा से परमिशन लेने आए थे कल्चरल प्रोग्राम में जाने के लिए। कल्चरल प्रोग्राम? तुम्हारा मुंह खुलेगा क्या मंचिता काका के आगे? और तो हम साथ चलते? अरे सपोर्ट में तुम्हारे, परमिशन दिलवा देंगे। कोई जरूरत नहीं, हम खुद बात कर सकते हैं। गुड, वेरी वेरी गुड। पापा ने पूनम की शादी दिलवा कर उसे आजादी दिलवा दी है। अगर पूनम इसी रफ्तार से चलती रही ना तो देख लेना, बेगूसराय को कोई राजा नहीं बल्कि रानी चलाएगी। वो सब बाद में, पहले देखते हैं कि ये लड़की मंचिता काका से कल्चरल प्रोग्राम का परमिशन ले पाती है या नहीं। चैलेंज। अरे यहाँ कहाँ बढ़े जा रही हो मैडम जी? अरे अगर बेगूसराय की रानी बनना है तो अपने होने वाले ससुराल में आना जाना शुरू करना पड़ेगा ना। फिर तो आप ही जाओ, हमारी हद तो यहाँ ही खत्म होती है, हम चले। तुमको तो हम अपने दहेज में लेकर आएंगे यहाँ, चलो। लगाम खींचो बिंदिया रानी, यहां कहां घुसी आ रही? अम्मा हम बताने आए हैं कि का घर दिया है हमको एकदम महल जैसा, सब कुछ है उसमें, फ्रिज है, एसी है, पंखा भी है, खाना गरम करने का मशीन भी है, ठंडा करने का मशीन है, सब कुछ ही है, बहुत बढ़िया कर दिया है। जब सब कुछ वहाँ है तो यहाँ कहाँ ढूंढने आई हो? धन्यवाद करने आए हैं अम्मा, दिल से धन्यवाद बोलते हैं, आप लोगों ने हमको बहुत कुछ दिया। बोल दिया ना, जाओ। Thank you.
आज का दृश्य तो यही खत्म। भगवान का शुक्र है। अम्मा, आपसे जरूरी बात करनी थी। वो जो बात जरूरी ना होता ना, तो हम कहते ही नहीं। हाँ हाँ, माया ठाकुराइन को देखकर ही इसे सारी जरूरी बातें याद आती हैं। जरूर कुछ गंदा पकड़ा होगा इसके दिमाग में। बहुत जरूरी है तो बको। आपसे अकेले में करेंगे, इन लोगों के सामने नहीं। आपसे मिथिलेश बाबू के बारे में बात करनी है। बात सुनो, जाओ तुम लोग। कोई बकवास हुई ना तो हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। यही चप्पल से पिटेंगे तुमको। अम्मा, अब आपकी डांट फटकार भी ना हमको आशीर्वाद लगता है। मतलब आज तो पक्का ही बुढ़िया का चप्पल खा कर ही उठेगी। बको। माया भौजी, हम कसम खा के कहते हैं, हम कभी आपका जिंदगी का काटा नहीं बनना चाहते थे। उस रात मिथिलेश बाबू खुद आए थे हमारे कमरे में। हम नहीं बुलाए थे उनको। हाँ, पर हम उनको इनकार नहीं कर पाए। कैसे करते? ठाकुर हैं वो, हमारी औकात थी कि हम इनकार कर देते? सच मानिए माया भौजी, हम कभी मिथिलेश बाबू को उस नजर से नहीं देखे थे। हाँ हाँ, तुम्हारी नजर पैसे और गहने से हटेगी तब तो किसी और चीज पर जाएगी ना बिंदिया रानी। पर क्या करें अम्मा, हम औरत है ना। मर्द चाहे लाख गलती कर ले, लेकिन दोष हमेशा औरत को ही दिया जाता है। इलो, अब मिथिलेश ठाकुर की बात से सीधे औरतों के मुक्ति मोर्चे का भाषण निकाल ले आई। इस कमीनी को तो पॉलिटिक्स में भर्ती हो जाना चाहिए। आपकी कसम बड़ी अम्मा, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तनी को झूठ नहीं बोल रहे। मिथिलेश बाबू तो आज भी आए थे हमारे पास। ये गुलाब और परफ्यूम लगाकर कहाँ जा रहे हैं? दुनिया से मिलने जा रहे हैं। लेकिन कसम खा के कहते हैं, हम ना उनके आगे हाथ पैर जोड़कर उनको वापस कर दिए। बहुत गुस्से में गए हैं मिथिलेश बाबू। ओह, तुम्हारी सराफत, तमाशा बना रही हो हमारा। अब बताते हैं तुम्हें बिंदिया रानी। टेक केयर। लेकिन हम सच्ची कहते हैं, उनका गुस्सा झेल लेंगे, लेकिन अब इस हवेली का नमक खाके ना नमक हरामी नहीं करेंगे। बस
इतना ही कहना था। अब चलते हैं। लाखन का क्या हालचाल है? उस दिन के फैसले के बाद वो इधर आया ही नहीं। कैसा है मिजाज उसका? मैं फूलन ठाकुर अब से शादी को रद्द कर रहा हूं। आज के बाद पूनम लाखन की कुछ भी नहीं लगती। महा बेवकूफ है वो, अंगार भरा है उसके दिमाग में। कह रहा था कि अगर उसकी पुन्मी से शादी नहीं हुई तो और किसी से होने भी नहीं देगा। आप टेंशन ना करें, हम समझाएंगे उसे। उसे कहो हमसे मिलने के लिए। अरे नहीं, हम समझाएंगे ना उसे। आप उसके लिए क्यों अपना समय खराब करेंगे? अरे हम उसे डांटने के लिए बुला रहे हैं। अरे हमारा फैमिली है, बात करनी है हमको। बोलो उसे मिलने के लिए। पापा ये ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। वो मिनिस्टर से मीटिंग के लिए गए थे लेकिन उनका सेक्रेटरी मीटिंग नहीं अरेंज करवा पाया आज। कोई बात नहीं, मैं मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट बात कर लूंगा। तुम जाओ। जी एक मिनट मिथिलेश। मिनिस्टर साहब से मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई कि तुम वहां समय पे नहीं पहुंचे। कहना क्या चाह रही हैं बड़ी अम्मा, हम समझे नहीं। वो ये कि मीटिंग थी 11 बजे और तुम वहां पहुंचे 12 बजे। बीच में बिंदिया के स्टेशन पे उतरे थे ना? गए थे लेकिन बिंदिया को समझाने गए थे हम कि मिथिलेश ठाकुर, तुम उस बिंदिया से दूर रहोगे। तुम अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दो, अपना धंधा संभालो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, समझ गए ना? क्या हुआ पूनम? जी वो ठाकुर साहब बोल देंगे। नहीं बोल पाएगी। बोल देगी भैया, देख लेना। अरे देखने ही तो आए हैं। डरपोकड़ी। अब बग भी दो, क्या बात है? वो कुछ नहीं बड़ी अम्मा, हम गुड्डी से मिलकर आते हैं। चलो। क्या भैया, बेचारी पुन्मी, अगर आज 2 बजे तक मंजीता काका से परमिशन लेकर उसने रजिस्टर पे अपना नाम नहीं लिखवाया ना, फिर तो उसका कल्चरल प्रोग्राम में जाना कैंसिल। ना ही उसे बस में सीट मिलेगी और ना ही हॉस्टल में रहने के लिए रूम।
भाई हमें तो कुछ भी करने से रोक रखा है पूनम कुमारी ने, अब देखते हैं वो खुद क्या करती है। एक हजार नौकर हैं इस घर में, ये भी कमरे का दसना हमेशा यही रहता है, क्या कबाड़ खाना बना रखा है कैसे, चिड़ियाघर है, बच्चे हैं कहां ही भड़क रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ, पढ़ाई क्या सुबह से, तो वो कैसा शकल बना रहा है, पढ़ना लिखना नहीं है, इस नाम पे चुप्पी, एक थप्पड़ मारेगा। कहाँ पर रहे हैं आप, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं का? भाई हमें तुम्हारी परमिशन का जरूरत नहीं है हमारे बच्चों को डांटने के लिए। इसको पहले भी बच्चे बदमाशी किए, कितना कुछ तोड़े फोड़े नुकसान किए, अब कभी इतना नहीं चिल्लाए, आज का हो गया है आपको। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, साइन बोर्ड लगा लेंगे यहाँ, तख्ती लटका लें लिख के हमारे साथ ये समस्या है, सारे परिवार को क्लेरिफिकेशन देते फिर हम हर बात का। खाना लगाओ जाके, बस मत देखती रहो हमें, खाना लगाओ जाके माया। बेटा रोते नहीं, चल शायद भूख लगी है ना इसलिए गुस्सा कर रहे थे, चलो तुम्हारा भी खाना परोसते हैं, खीर खाओगे दोनों? तो हमें कल्चरल प्रोग्राम के लिए पटना जाना है ना, और वो भी दो दिन के लिए। अरे भूल गई, कितनी मेहनत से तुमने बैक स्टेज की सारी तैयारियां की है और डांस के कॉस्ट्यूम्स में भी टीचर्स की हेल्प की है, अरे तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। मंचिता काका तुम्हें जाने की परमिशन तो देंगे ना, कई सालों में एक बार ऐसा मौका मिलता है। जल्दी से थाली लगाओ, भूखे पेट मर्द कुछ सुनते नहीं। बनाई है निमोना का सब्जी, बाबा वो हमारा कॉलेज एक कल्चर प्रोग्राम में भाग लेने वाला है पटना में, हमारे सभी फ्रेंड्स जा रहे हैं, नजमा भी। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री भी आ रहे हैं वहां चीफ गेस्ट बनके। हमारे कॉलेज के साथ साथ और दूसरे कॉलेज भी हिस्सा ले रहे हैं और जीतने वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स को ना सर्टिफिकेट्स और मेडल मिलेंगे। हमारे टीचर्स चाहते हैं कि हम भी साथ में चलें। जानते हैं जी, वो मास्टर जी आपके जान पहचान के हैं, वो शर्मा जी नहीं हैं, और उनमें भी बहुत मेहनत की है इस समारोह के लिए। बाबा अगर आप परमिशन दे तो हमारा भी बहुत मन है जाने का। और रोटी लाओ। दो ही दिन का तो बात है जी। दो रात दूसरे शहर में रहेगी? एक उनमें बताओ ना कहाँ रहना है। वो पटना के गर्ल्स हॉस्टल में इंतजाम है। दाल नहीं दिया है या नहीं है?
जा दाल लेके आ। हम कह रहे थे जी कि पुनमी समझदार है, और फिर दो ठो प्रोफेसर भी तो साथ में जा रहे हैं, तो चिंता का क्या बात है। पढ़ने में भी इतनी तेज है, बाहर का दुनिया देखेगी तो दिमाग खुलेगा ना जी। ये अचानक दिमाग खोलने की बात कहां से आ गई? दाल में नमक नहीं डाला है कहां? नहीं बाबा, डाला था नमक। नहीं डाला है? नहीं बाबा, हमने परोसने से पहले चखा था। खुद पर बहुत भरोसा बढ़ रहा है तुम्हारा। ठीक है, जाओ। लेकिन एक हमारा आदमी निगरानी करेगा तुम्हारी। जी बाबा, थैंक यू बाबा। खुश हो गई।